आ जी जो टाइम पाना ही आ जी तेन असं दसा कि असं कौन होंगे मैं हूं गौर सिंह दिना अद्धे घंटे या घंटे के परचा ना कैंसिल होया जो कुछ होगा वह जिम्मेवार प्रशासन आप पुलिस अज भी कह रही थी अखबार को गिरफ्तार करा गिरफ्तारी देनी पी तो भी मार के लेंगे जो इस तरह के अंसर है जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने मैं सख्त मारूंगा जिन्हें भी पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की वह बख्शन जाऊगा सख्त तो सख्त सजा मिलेगी उन्होंने कई पुलिस लगी हुई है भाई साहब के पीछे पूरा शांतिपूर्ण तरीके से आ चल रहा है लोगों का सहयोग भी मिल रहा है भाई पुलिस आ गई ओ देखो पुलिस आ गई मेरे मगर उधर खेतर च खेतर लग गई मगर ओ देखो तीन चार गड्डियां ओ देखो आ गए जे आ देखो भज्जे होंगे आ देखो पुलिस लगी हुई है भाई साहब के पीछे हमारा देश है हाँ ये मुसलमानों का देश है तो आप अपने धर्म ग्रंथों में इस देश का नाम बताइए हम तो बड़ी खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे मुसलमानों का देश है आपके जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें गंगा नदी बताइए यमुना नदी बताइए हिंदू जाति बताइए ब्राह्मण बताइए क्षत्रिय बताइए वैश्य बताइए शूद्र बताइए हमारे धर्म ग्रंथों में तो सब मिलता है अगर आपका ये देश है तो फिर पाकिस्तान का विभाजन क्यों किया नहीं करना चाहिए था लेकिन आप लोगों ने किया आप लोगों ने वोट दिया की कृपा से प्राप्त किया अभीमा लघीमा वशैता गामा वशैता बहुत आठ प्रकार की सिद्धियां होती है अष्ट सिद्धि ये काफी तपस्या करके भी मिलती है और भगवत कृपा से भी प्राप्त हो सकती है नहीं जो चमत्कारिक सिद्धियां हैं बाबाओं के पास और जो दावा करते हैं कि आपके दुख दूर कर देंगे आपकी बीमारी ठीक कर देंगे इनमें दम है आपकी नजर ऐसा होता है क्योंकि कई लोग कह रहे हैं अंधविश्वास बिल्कुल दम में क्यों दम नहीं है जब मैं कह रहा हूं कि शास्त्रों में सिद्धियां दी गई हैं इलाज भी किया जा सकता है सिद्धि तू एकदम वो बोल पड़े बीच में हम अपने आप वाइज बात करेंगे बीच में बच्चे जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं मनीष जी को छोड़ दिया जाए सब दुगला पना। मैं तेरा दुगला पना उतारता हूं मनीष सिसोदिया के लिए चिट्ठी लिखी है यहां पे किसी ने फाइल लिखी थी मेरे क्या लिखा है उसमें कि उसको जेल से रिहा करवाया किसने किसने बोला उनको चिट्ठी लिखी टीचरों ने टीचरों ने उनसे बोला था तो उन्होंने इसी वजह से चिट्ठी लिखी थी यही नहीं अभी और सुनिए चांदनी दी गलत है और इससे बहुत बहुत जिंदगी बर्बाद हो चुकी है क्या उनको सजा होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए होनी चाहिए I'm a member of parliament and unfortunately I'm a member of parliament. I can make a joke saying this. Unfortunately for you, One minute, please. See, I want to make it clear. Unfortunately for you, I'm a member of parliament and as the allegation has been made in parliament. जिस कंपनी का नाम लिया गया, तो सॉल्ट ने कहा हम उनसे 3 या 4% खरीदेंगे. 3 या 4% बनता है 800 करोड़. उस 800 करोड़ को कह दो. वो ऑफसेट सप्लायर है राहुल जी मानते हैं कि वो रफाल का मैन्युफैक्चरर है इनका ज्ञान तो एबीसी से शुरू करना पड़ेगा वो ऑफसेट सप्लायर है और कितने का टोटल ऑफसेट 29,000 के किसी से 200 करोड़ के किसी से 500 करोड़ के किसी से 800 करोड़ के और यहाँ क्या लिखा है 1,30,000 करोड़ 30,000 करोड़ ट्रांजेक्शन 58,000 करोड़ का ऑफसेट होगा 1,30,000 करोड़ मतलब कितनी ना समझी एक ऐसे दल में जिसने 7 साल तक देश की हुकूमत की हो इसकी कम से कम अपेक्षा राहुल गांधी संसद पहुंचे तो कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर इसे एक बहुत बड़े कैंपेन का रूप दे दिया और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि संसद में अब उस शेर की एंट्री हो चुकी है जिससे सरकार डरती है यानी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने पहले राहुल गांधी की तपस्वी वाली छवि लोगों के बीच पेश करने की कोशिश की जब वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे जब उन्होंने अपनी बड़ी सी दाढ़ी बढ़ा ली थी बाल बढ़ा लिए थे तो तपस्वी वाला रूप कांग्रेस पार्टी ने उनका लोगों के सामने पेश किया इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें एक परिपक्व और बहुत गंभीर नेता बताना शुरू कर दिया और अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि राहुल गांधी वो शेर हैं जिनसे सरकार और प्रधानमंत्री दोनों को डर लगता है लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी अगर शेर हैं तो फिर वो शिकार किसका करेंगे वो बीजेपी का शिकार करेंगे या कांग्रेस पार्टी का ही शिकार गलती से कर बैठेंगे